तो गाइस अभी अभी तवे से उतार के गर्मा गर्म न्यूज लेके आया हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो क्या नाचो मैं? बाहुबली 1 का बजट 180 करोड़, बाहुबली 2 का बजट 250 करोड़, KGF 1 का बजट 80 करोड़, KGF 2 का बजट 100 करोड़, आदि पुरुष का बजट 500 करोड़। क्या मेरे को पागल समझाया गया, उल्लू समझा गया हम लोगों को? हाँ, काश ये जो आदि पुरुष का जो बजट है ना, उसका हिसाब जो चिट्ठा वो मेरे हाथ में लग जाए। क्योंकि जो 500 करोड़ जो आग में झोंके गए हैं ना, इसमें बहुत लोगों ने हाथ जो है ना अपने सेके हैं, और मैं जानना चाहता हूँ कौन है वो महापुरुष आदि पुरुष जिनने हाथ सेके हैं इसके ऊपर। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, 500 करोड़। अभी कभी साथ में भी देखे हैं 500 करोड़। मेरे को पता नहीं हमेशा से क्यों ऐसा लगता था कि रणवीर सिंह ये पता नहीं कौन सा धतूरा खा के बैठा है, या पता नहीं कौन सा गांजा सूंघ के बैठा हुआ है। पर इस मूवी का ट्रेलर देने के बाद ना मेरी आंखें खुली नहीं, मेरी फटके हाथ में आ गई है। यहाँ तो पूरे धतूरे की फैक्ट्री खोल रखी है, और इस फैक्ट्री के मालिक और कोई भी नहीं, इस मूवी के मेकर्स हैं। आज से बहुत साल पहले एक मूवी आई थी टार्ज़न द वंडर कार, कसम से मेरा ना आज कुर्सी पे खड़े होके उस मूवी को सल्यूट देने का मन कर रहा है। उस मूवी के ग्राफिक्स और VFX भी ना इतने बचके अंडे नहीं लग रहे थे जितने आदि पुरुष के लग रहे हैं। आदि पुरुष के बजट से कम बजट में बाहुबली 1 और 2 दोनों पार्ट बन गए थे, और दोनों के VFX इससे हजार गुना बेटर दिखते हैं। और ये पता नहीं किसके दिमाग में से बेतुके बचकांडे आइडियाज आते हैं कि क्यों ना रामायण को मॉडर्न टेक दिया जाए। बस भगवान राम और रावण के हाथ में सेलफोन थमाना बाकी रह गया था इस ट्रेलर में। पता नहीं रावण को कौन सा आयरन मैन का कवच पहना दिया है, और ये सैफ अली खान रावण कम ताड़पत्री की दुकान ज्यादा लग रहा है। 150 रुपया देगा। ट्रेलर के एक सीन में रावण के 10 सर दिखाए गए हैं, जिसे देखकर मेरे कसम से ना रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए थे, पर पता नहीं क्यों वो सीन देख के मुझे हमशक्ल्स मूवी की याद आ गई। ट्रेलर के बीच में इन्हें पता नहीं क्यों रावण को ड्रैगन पे बिठा दिया खलीसी की तरह, फिर वानर सेना के सामने गेम ऑफ थ्रोन्स के जो व्हाइट वॉकर्स थे वो रख मारे। अबे रावण की सेना में व्हाइट वॉकर्स कब से आ गए? ये बिक गई है गवर्नमेंट। आज से बहुत साल पहले एक शो आता था खाना खजाना नाम का, अच्छा, जिसकी जो शेफ थे संजीव कपूर, उनका एक क्लासिक डायलॉग था स्वाद अनुसार। उसको ना इन्होंने दिल पे ले लिया, थोड़ा सा गेम ऑफ थ्रोन्स डाल दे हैं, फिर उस पे जरा सा प्लैनेट ऑफ एप्स का तड़का लगा दे, फिर उसके बाद जरा सा ना लॉर्ड ऑफ द लॉर्ड अजीब जानवर है, फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से गार्निश कर दे। नौसिखिए शेफ की तरह इन्होंने सब कुछ डाल दिया, बस एक चीज डालना भूल गए, रामायण। ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है? पूरा जो ट्रेलर है इतना ज्यादा ओवर सैचुरेटेड और फेक लग रहा है कि बच्चे भी जो पेंटिंग क्लास में होते हैं ना, इतने ज्यादा रंग नहीं पेलते होंगे जितने इस मूवी के मेकर्स ने इफेक्ट के नाम पे पेल दिए। और बेटा जो लोग ब्रह्मास्त्र के लिए अयान मुखर्जी को गालियां दे रहे थे ना, उनके मुंह पे पान की ऐसी पिचकारी पड़ी है कि दुनिया के कोई भी गमछे से उनका जो मुंह है ना वो साफ नहीं होने वाला। या तो ये लोग ब्रह्मास्त्र की तरह माइथोलॉजी को मॉडर्न टाइम्स में दिखा देते, या फिर सीधी साधी रामायण ही बना देते। ट्रेलर से ये देखने मिल रहा है कि इन्होंने स्टोरी को ना यहाँ का छोड़ा ना वहाँ का छोड़ा, बस बीच मझधार में लाके छोड़ दिया। चीटिंग 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 करता है तू। आदि पुरुष के ट्रेलर में VFX ऐसे नजर आए जैसे गायब मूवी में तुषार कपूर। आदि मूवी में पहले दिखाई नहीं दिया, और जब दिखाई दिया तो ऐसा लगा कि इससे अच्छा ना ही दिखाई देता। माया ओ, मैं मान ही सकता कि ये मूवी 500 करोड़ में बनी है। ऐसा है कि पागल बनाओ किसी और को, ठीक है? आज की जो जनता है वो एवेंजर से लेके छोटा भीम तक सब देख के बैठी है 500 करोड़। इनको पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि किसी भी मूवी के आगे 500 करोड़ का बड़ा सा टैग लगा दो तो जनता तो पागल है। उनको लगेगा कि अगर 500 करोड़ में मूवी बनी है तो कुछ ना कुछ तो कंचा माल ही बना होगा। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो मूवी है ना, ये मीम की दुकान नहीं, मीम का पूरा गोदाम होने वाली है, और इस मीम की दरिया में डुबकी लगाने वाले हजारों की तादाद में आएंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मैं फिर आपके लिए ऐसी गर्मा गर्म न्यूज लेके आऊंगा तवे से उतार के, ठीक है? मुचोस ग्रैंडेस, सायोनारा, एडियोस अमिगोस, ठीक है? निकल लो।